हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, फाउंडर एंड चेयरमैन एट पटेल हॉस्पिटल वडोदरा। मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मार्गदर्शन करूंगा। जैसे कि अभी कोविड के बहुत सारे गलत फहमी है न्यूज चैनल वाले फैला रहे, तो उसमें सच क्या है और झूठ क्या है उस पर मैं आपको आज मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहली चीज ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक डेल्टा के बाद का नया वेरियंट है। यस, ओमिक्रॉन बहुत ही माइल्डर वेराइटी है। जैसे आपको पुराने फ्लू इलनेस जैसा होता था, सर्दी खांसी गले में दर्द, इसी टाइप से यह माइल्ड इलनेस है। बट यस, कुछ पेशेंट्स को बिल्कुल वैक्सीनेट, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है या फिर उनको डायबिटीज, बीपी या वजन ज़्यादा है, ऐसे केसेस में कभी कभार सीवियर हो सकता है। बट यस, डेथ रेशो इज वेरी रेयर, 0.02% में ही मॉर्टेलिटी होती है। तीसरा चीज, यस, इसको क्यों ध्यान रखा जा रहा है, इतना हाइप किया जा रहा है, बिकॉज इन्फेक्टिविटी 40 times हायर है। यानी समझो कि डेल्टा से अगर एक पेशेंट से एक को ही इन्फेक्शन होता था, तो इससे 1 से 40 को होने के चांसेस है। दैट मीन्स इसमें ओपीडी पेशेंट्स बहुत रहेंगे, एडमिशंस कम रहेगा, इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। बट यस, जो सेफ्टी मेजर्स है, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यह आपको कंपलसरी यूज करने, नहीं तो क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन हो तो आपके साथ में पूरी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो सकती है। इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर सेफ्टी मेजर्स यूज कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी काफ़ी सारे गलत फहमियाँ जो फर्स्ट वेव में थी, जैसे कि एस्पिरिन बहुत सारे लोग लेते थे, फाविपिराविर लेते थे, आइवरमेक्टिन लेते थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, जिंक, काढ़ा, बहुत सारी चीज़ें लेते थे प्रिवेंशन के लिए। वह सभी चीज़ें रिसर्च में से निकल गई है। प्लीज़ उसमें से कोई भी चीज़ आप प्रिवेंशन के लिए फॉलो मत कीजिए। वह सभी चीज़ें अभी रिसर्च प्रूवन है कि उसमें से कोई भी चीज़ आपको कोविड से नहीं बचा सकती। आपको कोविड से सिर्फ 3 ही चीज़ें बचाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, उसी पे आप फोकस कीजिए। और नेक्स्ट, आपके घर बाजू वाले को अगर किसी को कोविड होता है या किसी को कोविड है और उसके साथ में कोई आदमी नहीं है, तो प्लीज़ उसे हेल्प कीजिए। किसी की हेल्प करने से कोविड नहीं होता है। हम लोगों ने भी सेकेंड वेव फर्स्ट वेव मिला के 1000 से ज़्यादा कोविड के पेशेंट ट्रीट किए, उसमें से सभी लोग आज भी स्वस्थ है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डेथ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। मगर इतने पेशेंट ट्रीट करने के बाद भी हमको कोविड नहीं हुआ। तो यस, नेगेटिविटी मत फैलाइए। किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ आप हेल्प सेफफुली कर सकते हो। वैक्सीन, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक गलत फहमी है कि वैक्सीन से नसें ब्लॉक होती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, नसें कुछ दूसरे कारण पे से भी हो सकती है, वैक्सीन से नसें अकेली ब्लॉक नहीं होती है। करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीनेशन 100% सेफ है, वैक्सीनेट करवाइए। और यस, बूस्टर डोज लेना है, बूस्टर डोज से और आपका इन्फेक्शन का सीवियरिटी आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक है कि डॉक्टर के पास चले जाओ तो एडमिट कर देंगे, गलत दवा दे देंगे, आइसोलेट करवा देंगे, डॉक्टर लूटते हैं। यह सब गलत फहमियाँ माइंड में से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यस, मार्केट में कुछ गलत लोगों के कारण पूरा प्रोफेशन को ब्लेम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में भी गवर्नमेंट ने क्लियर गाइडलाइन दी थी कि यह बिल ही आपको चार्ज करना है, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले ही आपको टर्म्स कंडीशन एग्री करवा लेना है कि यस, ये गवर्नमेंट का जो बिलिंग सिस्टम है उसी हिसाब से मैं पे करूंगा। तो डॉक्टरों ने भी उसी हिसाब से बिल बनाया है, किसी ने आपको लूटा नहीं है। दूसरा चीज, किसी को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपको जबरदस्ती एडमिट कर दे। और यस, अगर आपको एक डॉक्टर पे विश्वास नहीं तो आप दूसरे को भी दिखा सकते हो। बट यस, प्लीज़ कोई भी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए। कोविड की ट्रीटमेंट जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं करना है, यह ध्यान रखिए, बिकॉज उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपको कोविड का ट्रीटमेंट या तो चेस्ट फिजिशियन या तो फिजिशियन से ही करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इतने ज़्यादा पेशेंट ट्रीट किए कि उनको पता है कि कौन से टाइम पे आपको क्या दवाई दी है, क्या अपडेट्स है। नहीं तो ज़्यादातर जो डेथ हुई है फर्स्ट और सेकेंड वेव में, एक तो डर के कारण, दूसरा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, कल ठीक हो जाऊँगा, परसों ठीक हो जाऊँगा और घर पे बैठे रहे सीवियर होने तक, इसी में डेथ हुई है। हमारे सेंटर पे डेथ ना होने का कारण एक ही था कि प्रॉपर अर्ली ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट, टाइमली रिपोर्ट्स, और जब ज़रूरत हो तभी पेशेंट को जल्दी एडमिट करना है, और टाइमली रेमडेसिविर। यस, रेमडेसिविर से पेशेंट 100% रिकवर होता है। कोई भी रेमडेसिविर की निगेटिविटी माइंड में मत रखिए। जस्ट 2 दिन पहले रेमडेसिविर को भी अप्रूवल मिल चुका है, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने निगेटिवली ऐसा बोला था कि रेमडेसिविर से साइड इफेक्ट बढ़ते, नहीं देना चाहिए। यह गलत फहमी निकाल दीजिए, रेमडेसिविर 100% लाइफ सेविंग मेडिसिन है। अब करंट अपडेट्स में आपको सिर्फ इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि जो काफ़ी सारी गलत फहमी बच्चों के लिए चल रही है,
कि छोटे बच्चों को कोविड हो सकता है, बच्चों में डेथ हो सकती है, यह सब गलत फहमी है। इवन डेल्टा वायरस जो इतना सीवियर था उसमें भी छोटे बच्चों की डेथ रेयरली हुई है, रेयरली। मेरा सेंटेंस रिपीट करता हूँ, छोटे बच्चों में ओमिक्रॉन बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है, बच्चों में कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपके पेशेंट को अगर बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, बॉडी एक, इसमें से कोई भी सिम्टम मिलता है तो प्लीज़ पीडियाट्रिशियन को छोटे बच्चों के पास, बड़े लोगों को फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन के पास दिखाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रिवेंशन के लिए जो भी लास्ट ईयर फालतू चीज़ें हम लोग लेते थे उसमें से कोई भी चीज़ों को आपको लेना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।